हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो फाइनली हमारा आईफोन 16 प्रो मैक्स आ चुका है। सो जब आईफोन 16 सीरीज की प्री बुकिंग स्टार्ट हुई थी 13 सितंबर को, मैंने इसका प्री बुक तो तभी करवा दिया था। इसे आईफोन 16 को एक साथ ही प्री बुक करवाया था क्रोमा से, बट इसका स्टॉक कल आया था 1 अक्टूबर को। अब ये तो हर साल की कहानी है, जो प्रो मॉडल्स होते हैं उनका स्टॉक एप्पल काफी ज्यादा धीरे रिलीज करता है स्टार्टिंग में, लाइक इतने बड़े बड़े स्टोर्स पे यहाँ पे 1-2 यूनिट्स भी बहुत मुश्किल से आती है। एनीवेज, मैंने परचेज कराया 256 GB वेरियंट इन डेजर्ट टाइटेनियम कलर, जो कि इस साल का ट्रेंडिंग कलर है। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हर आईफोन की तरह ही एकदम अमेजिंग। अब फोन को अनबॉक्स करने के बाद जैसे आप इस फोन को हाथ में होल्ड करेंगे, आपको ये चीज तुरंत ही दिख जाएगी दैट ये फोन 15 प्रो मैक्स के मुकाबले बड़ा है। तो इस फोन को अनबॉक्स कर ही लिया है, इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के 15 प्रो मैक्स के साथ। यहाँ पे डायमेंशंस में स्लाइट सा डिफरेंस है, 16 प्रो मैक्स की हाइट भी ज्यादा है एंड इसी के साथ इसकी विड्थ भी ज्यादा है, बट विड्थ में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो कि आपको नोटिस हो, बट हाइट का डिफरेंस डेफिनेटली दिखता भी एंड फील भी होता है। वेट में यहाँ पे हार्डली 5-6 ग्राम का ही डिफरेंस है। तो स्पेसिफिकली अगर हम इस नए कलर की बात करें, सो पहली नजर में तो ये देखने में पिछले कई साल के जो आईफोन के प्रो मॉडल्स होते हैं उनके गोल्ड कलर जैसा ही लगता है, बट जो इसका शेड है वो थोड़ा डिफरेंट है, स्लाइटली रोज गोल्ड की तरफ ओरिएंटेड है। लाइक इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स के गोल्ड कलर के साथ, यहाँ पे दोनों कलर्स काफी डिफरेंट दिख रहे हैं। एंड वैसे अगर मैं साइड बाय साइड साइज कंपैरिजन करूँ 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स एंड 16 प्रो मैक्स का, सो यहाँ पे यू कैन सी इट इज डेफिनेटली अ बिग फोन। एंड इसी के साथ फ्रंट में आपको जो मेजर डिफरेंस दिखेगा वो है डिस्प्ले के अराउंड बेजल्स, ये बहुत ही ज्यादा थिन कर दिए गए हैं एंड ये डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक एंड मॉडर्न फील देता है। 15 प्रो मैक्स में ऑलरेडी बेजल्स काफी कम थे, बट उसके मुकाबले भी यहाँ पे थिनर बेजल्स हैं। दिस लुक्स अमेजिंग एंड इतना आसान नहीं है ऑलरेडी बेजल्स इतने कम है, उसके बाद भी बेजल्स को इस लेवल तक कम कर पाना। अब जो साइड का टाइटेनियम फ्रेम है, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ पिछले साल के मॉडल के साथ, तो वहाँ पे आपको काइंड ऑफ ब्रश टेक्सचर मिलता था एंड इस बार एकदम ही स्मूथ है, जस्ट लाइक स्टेनलेस स्टील फ्रेम। अब ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील फ्रेम जैसा शाइनी लुक तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये टाइटेनियम फ्रेम है, पर जो फिनिश एंड टेक्सचर है वो एकदम ही स्मूथ है। एंड हाँ, जो ये कलर है वो आईफोन के एक मॉडल से जरूर मैच कर रहा है, विच इज आईफोन 10s। वैसे आपको ये नया कलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, स्पेशली कम्पेयर विद नेचुरल टाइटेनियम कलर। अभी बारी है स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करने की, सो मैंने ऑर्डर करा था स्पीगन का स्क्रीन प्रोटेक्टर जो कि पैक ऑफ 2 में आता है एंड इसका प्राइस अराउंड 1500 रुपीज है। सो आपको लगभग 700-750 रुपए का एक स्क्रीन प्रोटेक्टर पड़ता है। इसमें आपको 2 ट्रेज मिलती हैं जिसमें पहले से स्क्रीन प्रोटेक्टर फिट हुआ होता है, बबल निकालने के लिए छोटा सा टूल एंड इसी के साथ क्लीनिंग किट जिसमें है वेट वाइप्स, डस्ट रिमूवल स्टिकर्स एंड क्लोथ। तो सबसे पहले वेट वाइप से आपको डिस्प्ले को क्लीन कर लेना है, कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे बबल आ जाता है। डिस्प्ले को अच्छे से क्लीन करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे जो ये ट्रे है इसके बैक साइड से बैक फिल्म को रिमूव कर देना है, यहाँ पे बैक मेंशन होता है, एंड देन प्लेस इट ऑन योर आईफोन एंड बीच में यहाँ पे प्रेस एंड स्लाइड करना है, वेट फॉर 30 सेकंड्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रिप है आपको उसको रिमूव कर देना है। आफ्टर दैट रिमूव द ट्रे एंड फाइनली यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव फिल्म है इसको रिमूव करने के बाद दिस इज योर स्क्रीन प्रोटेक्टर। अब कभी कभार ये प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पाता है, एयर आ जाती है, तो आपको बस सिंपली यहाँ पे इस वाले टूल से प्रेस एंड स्लाइड करना है ताकि एयर रिमूव हो जाए, यहाँ पे जो आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर है आपकी फोन के डिस्प्ले पे अप्लाई हो जाए एंड हियर वी गो, इट लुक्स गुड। अब यहाँ पे फोन के डिस्प्ले के बेजल्स आपको बहुत कम मिलते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये भी काइंड ऑफ एकदम ही एज टू एज है एंड एज ऑलवेज यहाँ पे जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, टच रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। इसमें आपको ओलियोफोबिक कोटिंग मिलती है जिसकी वजह से यहाँ पे जो फिंगर को स्वाइप करने का चलाने का एक्सपीरियंस है बहुत स्मूथ रहता है एंड इसे अप्लाई करने से पहले जिस तरीके से डिस्प्ले में कलर्स वगैरह पॉप आउट हो रहे थे ये ऑलमोस्ट वैसे ही दिखते हैं इसको अप्लाई करने के बाद भी, तो डिस्प्ले की क्लैरिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो यही फायदा होता है किसी अच्छे ब्रांड के प्रीमियम स्क्रीन प्रोटेक्टर को अप्लाई करने का। अब फोन की डायमेंशंस डिस्प्ले साइज को छोड़कर 15 प्रो मैक्स के मुकाबले इसमें आपको मेनली 3 चीजों में डिफरेंस दिखेगा, कैमरा, बैटरी एंड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इसमें आपको A18 प्रो चिप मिलती है, दोनों फोन्स में 8GB रैम है, बट उसके बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे कि बेंचमार्क स्कोर्स उसमें एक ठीक ठाक सा डिफरेंस है। वैसे 15 प्रो मैक्स में iOS 18 चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो डेफिनेटली iOS 17 के मुकाबले थोड़े ड्रॉप हो गए हैं। पहले इस फोन ने भी यहाँ पे 7500 तक मल्टी कोर स्कोर को टच कर रखा है एंड सिमिलरली आपको GPU की परफॉर्मेंस में भी फर्क दिखेगा, इट इज बेटर। वैसे फोन को नॉर्मली चलाने में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लास्ट ईयर के मॉडल्स की परफॉर्मेंस भी कोई पीछे नहीं है, दे आर क्वाइट पावरफुल। बस वही चीज है, गेमिंग एंड लॉन्ग टर्म में जो नए मॉडल्स हैं वो ज्यादा बेटर रहेंगे एंड जो हीटिंग है वो भी यहाँ पे डेफिनेटली कम करी गई है, 16 प्रो मैक्स यहाँ पे थोड़ा कम हीट होता है। अब कैमरास में कितना डिफरेंस है,
सो यहाँ पे जो नया कैमरा कंट्रोल बटन है इसकी हम आगे बात करेंगे। एक्चुअल कैमरा क्वालिटी में कितना डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। सो आईफोन 16 प्रो मैक्स में आपको ऑल न्यू 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। सो यहाँ पे कितनी इंप्रूवमेंट्स हैं, आई वुड से बहुत ज्यादा नहीं है। ये नॉर्मली फोटोज को 12 मेगापिक्सल पे ही कैप्चर करता है पिक्सल बिनिंग के थ्रू, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं एज दोनों 12 मेगापिक्सल हैं। पर जैसे आप 16 प्रो मैक्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा से 48 मेगापिक्सल इमेज कैप्चर करोगे उस केस में आपको डिटेल्स में शार्पनेस में काफी फर्क दिखेगा। बट आई थॉट ये मेन कैमरा की तरह ही अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी यहाँ पे जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है उसको 24 मेगापिक्सल करने का ऑप्शन दे देते। वहीं प्राइमरी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा सिमिलर है। आपको यहाँ पे हल्का फुल्का HDR परफॉर्मेंस एंड कलर्स का डिफरेंस मिलेगा। हाँ, यहाँ पे नए मॉडल में आपको शार्पनेस डिटेल्स स्लाइटली बेटर मिलेंगी। अब वो कोई नई चीज नहीं है, वो चीज हर साल ही होती है। नए मॉडल्स में नया प्रोसेसर होता है, नई ISP होती है, तो शार्पनेस एंड डिटेल्स बेटर हो ही जाती है। अब मेनली इन दोनों फोन्स के कैमराज में तब काफी ज्यादा डिफरेंस था जब iPhone 15 Pro Max में iOS 17 था। जैसे मैंने इसे अपडेट करा अब डिफरेंस इतना ज्यादा ह्यूज नहीं है। एंड नॉर्मल शॉट्स की तरह अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट सैंपल्स की तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वही कलर्स एंड HDR का। बाकी जो स्किन टोन्स है वो भी देखने में बेटर एंड ज्यादा एक्यूरेट लग रही है। सेल्फीज में भी आपको वही डिफिकल्ट सिचुएशंस में फर्क दिखेगा, लाइक मेन सब्जेक्ट पे ज्यादा बेटर कलर्स, शार्पनेस को मेंटेन कर पाना। बाकी नॉर्मली फेवरेबल कंडीशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जो एडवांटेजेस आपको iPhone 16 Pro Max में मिलते हैं वो है 4K 120 FPS वीडियो, तो उसको आप यहाँ पे नॉर्मली शूट कर सकते हो एंड इसी के साथ स्लो मोशन के फॉर्म में भी। एंड इसी के साथ जो माइक्स की क्वालिटी है वो भी काफी बेटर करी गई है, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में बेटर ऑडियो मिलती है ज्यादा क्लैरिटी के साथ एंड बैकग्राउंड नॉइज भी कम मिलेगी। और बैटरी लाइफ के मामले में ऑलरेडी 15 Pro Max बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसमें आपको अराउंड 4441 mAh की बैटरी मिलती है। पर जो iPhone 16 Pro Max है ये इवन बेटर है, इसमें आपको अराउंड 4685 mAh की बैटरी मिलती है। इस यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी में 200 mAh से भी ज्यादा का डिफरेंस है। अब मैं इनका डिटेल बैटरी ड्रेन टेस्ट जल्दी लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं 100 से लेके 0 तक इनको टेस्ट करूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी के लिए अगर आपको बताऊं तो 16 Pro Max में जो बैटरी की कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट करी गई है वो फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में भी दिख रही है। इन्हें 15 Pro Max के मुकाबले आराम से 1.5 से लेकर 2 घंटा ज्यादा लास्ट कर जाएगा टोटल स्क्रीन ऑन टाइम में, तो एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। अब जो हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन है वो आपको एकदम ही सेम मिलेंगे, पर जो स्पीकर्स हैं दे आर इंप्रूव्ड। इसमें आपको बेटर बेस एंड बेटर डेप्थ मिलती है एंड मिड टोन्स आर आल्सो इंप्रूव्ड। मतलब ओवरऑल यहाँ पे 16 Pro Max के स्पीकर्स डेफिनेटली बेटर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड टिप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा कंट्रोल की। ये आईफोन 16 सीरीज में नई चीज है, ये एक फिजिकल बटन है, इसी के साथ इसमें टच फीडबैक भी दिया गया है। अब इसे आप कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो इन सेटिंग्स, देन कैमरा, टॉप में कैमरा कंट्रोल। अब जो एक क्लीन प्रीव्यू है ये पहले से टर्न्ड ऑन होता है एंड इसमें बेसिकली ऐसा होता है जब भी आप कैमरा कंट्रोल को इस्तेमाल कर रहे होते हो सो कैमरा ऐप में यहाँ पे जो भी मोड्स एंड फीचर्स आपको शो हो रहे होते हैं वो सभी गायब हो जाते हैं, जो कि मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया। सो उसको आप सिंपली टर्न ऑफ कर सकते हो ना, अब यहाँ पे इसको इस्तेमाल करने पे ये सभी चीज़ें गायब नहीं होंगी, इंटैक्ट आपको दिखेंगी। कैमरा एप्लीकेशन को सिंगल क्लिक या फिर डबल क्लिक कैसे लॉन्च करना चाहते हो, तो एक्सीडेंटली कई बारी फोन को इस्तेमाल करते हुए ही कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, इसको आप डबल क्लिक पे भी कर सकते हो। मैंने इसे स्पेस सेट कर दिया है। इनफैक्ट आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि इसको प्रेस करके आपको कैमरा ही ओपन करना है या फिर कुछ और, लाइक कोड स्कैनर, मैग्नीफायर एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह भी। अभी इस फोन ने इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा है। इसकी और भी सेटिंग्स मिलती हैं, इसके लिए आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में, देन कैमरा कंट्रोल। तो टॉप में कैमरा कंट्रोल ये बेसिकली इसको ऑन या फिर ऑफ करने के लिए ही है। अब जो इस बटन को लाइट प्रेस करके आपको एडजस्टमेंट शो हो रही है, लाइक अब किस मोड में जाना चाहते हो, डबल प्रेस करके डिफरेंट मोड में स्विच कर सकते हो। ये शो एडजस्टमेंट वाला फीचर उसी के लिए है। अगर आप यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हो देन उस केस में आप सिंपली बटन को प्रेस करके फोटो को क्लिक करना एंड वीडियो को शूट करना यही कर पाओगे, तो ये चॉइस भी आपके पास है। अब जो इस बटन को हम प्रेस कर रहे हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ये पहले डिफॉल्ट पे होता है, इसको आप लाइटर या फिर फर्मर कर सकते हो। आई रिकमेंड फर्मर, क्योंकि लाइटर या फिर इवन डिफॉल्ट पे भी ये काफी हल्के से मानता है एंड समटाइम्स गलती से क्लिक हो जाता है। एस फोन को होल्ड करने की पोजीशन ही ऐसी, आपका यहाँ पे थंब या फिर हाथ जाएगा ही जाएगा। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो डबल क्लिक करने की स्पीड है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। अब क्या आपको पता है दैट जो कैमरा कंट्रोल है जो इसे प्रेस करने पे फीचर्स इवोक हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल ये इसी से काम करते हैं, आप इन्हें टच के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने जूम को सिलेक्ट कर दिया है, अब यहीं से मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ एंड इसी के साथ डिफरेंट फोटोग्राफिक स्टाइल्स, दैट मीन्स काइंड ऑफ बटन एंड टच का कंबाइंड यूजेज करके आप कैमरा एप्लीकेशन के एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हो। क्या आपको पता है दैट आईफोन्स में जो सफारी है अब तक 90 Hz पे ही चलता था, यस इवन 120 Hz वाले आईफोन में भी, बट iOS 18 के बाद आपको ये वाली फ्रीडम भी मिल जाती है, आप सफारी को 120 Hz पे सेट कर सकते हो बाय गोइंग इनटू सेटिंग्स, देन एप्स, उसके बाद जाना होगा सफारी में, देन ऑल द वे डाउन टू एडवांस्ड, देन अगेन सबसे नीचे फीचर फ्लैग्स। इन ऐप पे जो प्रेफर पेज रेंडरिंग अपडेट्स नियर 60 FPS है इसको आपको टर्न ऑफ करना है।
ये पहले से ऑन होता है एंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो सफारी अब फाइनली 120 FPS पे चलता है। फोन में इनिशियली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन आता है, अभी देखने में काफी अच्छा लगता है बट आपकी फोन की बैटरी भी ड्रेन करता है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाके देन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पे शो वॉलपेपर एंड शो नोटिफिकेशन ये दोनों टर्न ऑन हो रखे होते हैं। अगर आप चाहते हो केवल टाइम एंड नोटिफिकेशन आपको शो हो तो आपको शो वॉलपेपर को ऑफ कर देना है, सो अब वॉलपेपर शो नहीं होगा बट आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लाइक टाइम या फिर नोटिफिकेशन वही शो होगी। एंड अगर इसकी नीड नहीं है इसको आप ऑफ कर सकते हो, बैटरी बैकअप में काफ़ी फर्क दिखेगा। कैमरा की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्ड वीडियो में यहाँ पे जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन फ्रेम रेट है 1080p 30fps हो रखा होता है, तो इसको आप सेट कर सकते हो 4K 60 या फिर इवन 4K 120fps तक भी 16 प्रो मॉडल्स में। आई रिकमेंड 4K 60fps। सो यहाँ पे हमने 4K 60fps कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट तरीके से 4K 60fps ही वीडियो शूट होगी। एंड इसी तरह रिकॉर्ड स्लो मोशन, रिकॉर्ड सिनेमैटिक, इन सभी वीडियोस में भी आपको रेजोल्यूशन सेट कर लेना चाहिए। एज मैंने मोस्टली लोगों को देखा वो इस वाली सेटिंग को चेंज नहीं करते हैं, आईफोन से जस्ट 1080p वीडियो को शूट करते रहते हैं, जबकि आपका आईफोन कहीं ज़्यादा बेटर वीडियो शूट कर सकता है। फॉर्मेट्स में जाके प्रो रॉ एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल ऑफ होता है, इसको आपको ऑन कर लेना है। एंड प्रो डिफॉल्ट में जाके यहाँ पे हीफ मैक्स अप टू 48 मेगापिक्सल, सो उसके बाद आपको यहाँ पे हीफ मैक्स का आइकन दिख जाएगा, इसे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ऑन करने पे यहाँ पे 48 मेगापिक्सल की इमेज कैप्चर हो जाएगी प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा से। एंड फाइल का साइज भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा एज यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो JPEG लॉसलेस है। एंड बाकी अगर आप चाहते हो फोटोज का साइज और भी ज्यादा कम हो तो उसके लिए आप यहाँ पे JPEG XL लॉसलेस इसको सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें इमेजेस का कंप्रेशन और भी ज्यादा हो जाता है। बाकी मैं iPhone 16 सीरीज पे कंप्लीट कैमरा सेटिंग्स पे वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ, वहाँ पे मैं हर सेटिंग को एकदम ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब लॉन्ग टर्म में आपकी आईफोन की बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो चार्जिंग लिमिट है उसको भी सेट करना काफी जरूरी है। ये वाले फीचर आपको iOS 18 में ही मिलता है, सेटिंग्स बैटरी देन चार्जिंग में। सो देखो रेगुलरली आपके फोन को 100% तक चार्ज करना इज नॉट गुड इनफ, कभी कभार चलता है बट आपको मोस्टली अपने फोन को 90 से लेकर 95% तक चार्ज करना चाहिए। तो वैसे अगर चार्जिंग लिमिट 100% भी है एंड अगर आप फोन को 90 या फिर 95% पे चार्जिंग से निकाल लेते हो बट इनकेस अगर आप भूल जाते हो सो ये चार्जिंग लिमिट उसी के लिए है, अगर आप इसको 90 पे सेट कर दोगे तो फोन 90% तक ही चार्ज होगा एंड उसके बाद चार्जिंग अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी। तो आई सजेस्ट इसको आप नॉर्मली 90% पे रख सकते हो। एंड बाकी कभी लगता है फोन को 100% तक चार्ज करना है सो आप चेंज तो कर ही सकते हो। अब 16 प्रो मैक्स काफी बड़ा फोन है, इनकेस अगर आपको एक हाथ से टाइपिंग करनी है, कीबोर्ड पे रीच नहीं पहुंच पा रही है, बॉटम लेफ्ट में प्रेस एंड होल्ड करिए, उसके बाद यहाँ पे आपको राइट एंड लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में सिंगल हैंडेड कीबोर्ड मिल जाएगा। एंड नया फोन परचेज करने के बाद आपने नोटिस करा होगा टाइपिंग में यहाँ पे अपने आप ही ऑटो करेक्शन होता रहता है, कभी कभार इरिटेटिंग हो जाता है, टाइप कुछ और कर रहे हैं एंड सेंड कुछ और हो जाता है। सो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके गो इनटू कीबोर्ड सेटिंग्स देन ऑटो करेक्शन को ऑफ कर दीजिए। अब कीबोर्ड में आपको बाइलिंगुअल का फीचर मिलता है, मींस मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऐड कर रखा है। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे स्पेस बार में राइट साइड पे ENNHI लिखा हुआ, मींस इंग्लिश एंड हिंदी। सो अब कीबोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए एक साथ काम कर सकता है, लाइक यहाँ पे जो सजेशंस होते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। बाकी आप फाइनली एप्लीकेशंस को हाइड एंड लॉक तो कर ही सकते हो विद योर फेस आईडी, ये सभी ज्यादातर iOS 18 के फीचर्स हैं एंड आपको ओल्डर आईफोन्स पे भी मिलेंगे। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन इज यहाँ पे जो आइकन्स है इसको आप चेंज कर सकते हो, इसी के साथ सिंपली इनको रिमूव भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। एंड इसी तरह होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, आइकन्स को डार्क लाइट या फिर टिंटेड कर पाना। एंड अगर आप इसको ऑटोमेटिक पे सेट करते हो सो उस केस में आप जैसे सिस्टम डार्क मोड को अप्लाई करोगे उस केस में जो आइकन्स है वो भी डार्क हो जाएंगे, तो ये इस हिसाब से काम करता है। अब iOS 17 में आपको कंट्रोल सेंटर में ऐड करने के लिए ब्लूटूथ का आइकन ही नहीं मिलता था, बट iOS 18 में वो वाली चीज पॉसिबल है, लाइक प्रेस एंड होल्ड करने पे ऐड अ कंट्रोल, सर्च फॉर ब्लूटूथ, यहाँ पे आप आइकन्स को रिसाइज भी कर सकते हो। लाइक इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, अब मुझे यहाँ पे बार बार ही यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से ही मैं ब्लूटूथ को एक्सेस कर सकता हूँ। सो दैट वॉज ऑल अबाउट iPhone 16 Pro Max अनबॉक्सिंग, क्विक कंपेरिजन एंड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।